हमें राइड करते हुए दोस्तों हमारे भाई। तो ये सेंट आर्ट पार्क इधर हम आए हैं, अभी राम मंदिर बनाया है अयोध्या। क्या कलाकारी है, वाह, उनकी आर्ट को हमारा सलाम। तो दोस्तों ये है वो ब्रह्मा जी का मंदिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय महाराष्ट्र। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो, हक मुइन या मुइन। तो दोस्तों चलते हैं छठी शरीफ की दुआ में, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, चलते दरगाह शरीफ में। तो दोस्तों छठी शरीफ अटेंड की हमने, दुआ शरीफ में हम पहुंचे, दुआ भी लिए और फिर थोड़ा नाश्ता करके हम चल रहे हैं पुष्कर की तरफ। और मेरे साथ में मेरे रियान भाई, तो रियान भाई हम लोग जाते हैं पुष्कर। और मैंने सुना है उधर पे कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है वो, तो आपको मंदिर भी दिखाऊंगा और राजस्थानी कल्चर और छोटा सा रेगिस्तान है बोलते हैं अजमेर का, तो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ दोस्तों। वीडियो में कंटिन्यू बने रही है, तो चलते हैं और आपको मैं भी रास्ता दिखाता हूँ पुष्कर का। अजमेर शरीफ दरगाह से 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये पुष्कर शहर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और मतलब जितने भी जायरीन आते हैं ना, तो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और अंदर बहुत सी मतलब चीजें है, गुलाब की खेती है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गुलाब यहीं आते हैं, और राजस्थानी कल्चर वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। और आपने पिक्चर देखी होगी शाहरुख और सलमान की करण अर्जुन, जिसमें वो काली माता का मंदिर दिखाया गया है, तो वो मंदिर भी वहीं पे है दोस्तों। तो मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे आने के लिए ना, आपको यहाँ पे बस मिलेगी, आप पर्सनल गाड़ी करके भी आ सकते हो, और पर पर्सन वाली गाड़ी भी आपको लाके छोड़ेगी, और आप रिक्शा में भी आ सकते हो। और कैसा कुछ इसका 250 रुपया वहाँ से अजमेर से यहाँ का पर्सनल कार का किराया है, और बस का कुछ 60 रुपया है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखो रास्ता उस रास्ता कैसा है। तो दोस्तों अभी पहुंचे हैं पुष्कर, और यहाँ पे बहुत सारी गाय है, तो गाय को चारा देते पहले, बेचारे खाएंगे बहुत सारी बेचारे। तो इनका खाने का टाइम हो गया है, तो उनको खिलाते और चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ एंजॉय करने लायक चीजें अंदर बोलते, तो अपन देखते हैं। बहुत ही प्यारा काम है ये, देखिए माशाल्लाह कितने सारे गाय है यहाँ पे, गाय के बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं। हमारे रिहान भाई भी खिला रहे हैं, कितना प्यारा माशाल्लाह गाय का बच्चा है देखो दोस्तों। बहुत सारी गाय है यहाँ पे, आप भी आएंगे तो चारा डालिए इनको खाने के लिए, क्योंकि इधर पे बहुत कम है, पैसे से खिलाते इधर पे, बेचारा देखिए कितने भूखे है। दोस्तों हम लोग पुष्कर में आए हैं, यहाँ पे अभी कैमल राइड के लिए हम लोग आए, तो ये हमारे भाई है
जो हमको कैमल राइड कराए गए भाई। देखो भैया, रेगिस्तान के अंदर जो साइड सीन वगैरह वो हम दिखाएंगे ऊंट गाड़ी के अंदर, जीप सफारी के अंदर, आपको केवल बैठे बैठे देखना है जो साइड सीन वगैरह। राजस्थानी कोस्ट मिलता है, एटिव बाइक मिलता है, हॉर्स राइड वगैरह है, वो अंदर मार्केट है, वहाँ फोटोग्राफी करने का मिलता है। अरे भैया, आपको क्या क्या दिखाएंगे साइड सीन बताते हैं, तो चलो देखते हैं दोस्तों। गुलाब का खेती दिखाएंगे जो बिना पानी के गुलाब उगता है, अंदर देसी गुलाब होता है। आम आंवले का बगीचा है, दियाबाती का शूटिंग है, जो स्टार प्लस पे दियाबाती सीरियल आया था ना, उसमें डेजर्ट के अंदर शूट हुआ था, वो बताएंगे आपको। जैसे अंदर करण अर्जुन फिल्म बनी, इसमें ठाकुर का हवेली बताते हैं, दुर्जन सिंह का, दुर्जन सिंह का, अमरीशपुरी का हवेली, हाँ ये बराबर दुर्जन सिंह करण अर्जुन का हवेली है। इधर देखो जो राजस्थानी कोस्ट मिलता है जेंट्स का, लेडीज का, वहाँ फोटोग्राफी होता है, 15-20 मिनट का फोटोग्राफी कर सकते हो। मार्केट दिखाई जाएगा, जैसे बंजारे लोग रहते हैं जो गाने बजाने करते हैं, आप उनके साथ डांस वगैरह भी कर सकते हो, जैसे हॉर्स राइड वगैरह कर सकते हो। अंदर बंजारे लोगों को बस्ती होती है ना, बंजारे लोगों के झोपड़े होते हैं, कच्ची बस्ती वो भी है। एटीव बाइक का पॉइंट, इसके अंदर केवल चार ऑप्शन है, इसके अंदर सिंगल कैमल जाओगे, दो मेंबर बैठोगे, इसके अंदर केवल आप पीछे बैठोगे, ऊँट पे बैठने का सीट नहीं होता है। अच्छा। एक कैमल टू बग्गी होता है, इसके अंदर आप ऊँट पे बैठ सकते हो, बग्गी के अंदर बैठ सकते हो, और एक जीप सफारी होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा गाइड किया है, अभी चलते हैं हम लोग इनके साथ में, और मैं भाई का नंबर है ना मैं आपको शेयर करूंगा, तो कभी भी आप अजमेर शरीफ आओ और पुष्कर आओ तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत अच्छे हैं ये भाई, इनके डैडी भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं दोस्तों घूमते, और आपको मैं पूरा बताता हूँ व्यू कैसा है इधर पे। हाँ बने रहिए वीडियो में। और काली माँ की फोटो लगा के शूट किया था। अच्छा, तो यहाँ जाने का कैसा, ऊपर जा सकते हैं, लिफ्ट भी है, सीट है, 950 सीट है। अच्छा, अपन वो मशीन से जा सकते हैं ना, किरण किरण क्या बोलते हैं उसको, केबल बोलते, केबल केबल से जा सकते हैं ना। देखते हैं दोस्तों, ट्राई करेंगे ऊपर जाने का, लेकिन वो सावित्री माता का मंदिर है, वो काली माता का मंदिर नहीं है। करण अर्जुन पिक्चर में अपने को उल्लू बनाया लोग ने, ये ब्रह्मा जी की वाइफ है बोलते हैं, उनका मंदिर है ये। दोस्तों करण अर्जुन में दुर्जन सिंह अमरीशपुरी की जो हवेली दिखाई है, यही है वो हवेली, दुर्जन सिंह की हवेली। कैमल राइड करते हुए दोस्तों, ये हमारे भाई कैमल भाई, तो ये अपने बादल भाई है, बादल भाई, ओ बादल भाई कैमरे में देखो भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो चलते हैं दोस्तों आगे, दोस्तों अभी यहाँ हम लोग होल्ड के लिए रुके थोड़ा, और आपने सुना राजस्थानी सॉन्ग, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, जिप्सी की राइडिंग है, ये जो बग्गी खड़ी है बग्गी की राइडिंग है। बाकी ऐसा मिसगाइड करने वाले बहुत जन हैं यहाँ पे, तो कोई भरोसे वाला बंदा रहेगा तो ही उसके साथ में आओ, ऐसा बहुत मतलब गलत फ़ायदा होता है नवे लोगों का ये। ये कपड़े जो है मैंने इसी भाव निकाला, तो 1600-1500 कपल के, मतलब बच्चों के 600, ऐसे सब रेट है यहाँ पे। तो पेन वेन के फ़ोटो खींच सकते हो आप, बग्गी राइडिंग है, बग्गी राइडिंग 1600-1200 रुपया ऐसी राइडिंग है यहाँ पे। तो अभी इतनी धूप है यहाँ पे, हम लोग आ तो गए लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखते आगे कुछ, चलते बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो ये सैंड आर्ट पार्क इधर हम आए हैं अभी, और ये जो भाई है
अजय रावत, इनकी कलाकारी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देखो ये भोलेनाथ रेत में आर्ट, देखो जय हिंद। देखो गौतम बुद्ध लेटे हुए, ये राजस्थानी कल्चर दिखाया हुआ है, देख सकते हो आप किले वगैरह, राजस्थानी पहनाव, ऊंट। ये देखिए, अरे देखिए किला बनाया हो कितना बड़ा। ये शायद महाराणा प्रताप है। और ये देखो राम मंदिर बनाया है अयोध्या, क्या कलाकारी है, वाह। पूरा अयोध्या बनाया हुआ इसने पूरा हाथ से। और भी यहाँ पे बहुत कुछ शायद वो बनाने वाला है, यहाँ पे भी भोलेनाथ बनाया हुआ है। इनकी आर्ट को हमारा सलाम। और ये देखिए कैमल, कितना बड़ा कैमल है। दोस्तों मैंने आपको ये पूरा आर्ट दिखाया, ये बहुत ही प्यारी कलाकारी है ये भाई की। और देखिए ये मेरे पीछे जो है ना ये शख्स, ये है पुष्कर राज, इनके नाम पे ही पुष्कर शहर बना हुआ है पूरा। तो दोस्तों चलते आगे। तो दोस्तों कैमल राइड हम लोग की पूरी हो गई और भाई ने हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किए और बहुत अच्छे से घुमाए। और आप भी आओगे तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई आपका नंबर क्या है? 8107840321। तो मैं आपको भाई का नंबर दे दूंगा, जब भी आप आओ तो भाई से कांटेक्ट करो और बोलना अपने नाम से मुस्तकीम भाई के इधर से आए, तो आपको भाई अच्छे से गाइड करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे, अभी जाते हैं ब्रह्मा के मंदिर में, उधर पे बहुत कुछ है ना भाई। हाँ बहुत कुछ है, सरोवर लेके आराम से फोटोग्राफी करना। चलते है दोस्तों देखते है, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है बोलते। तो दोस्तों ये है वो ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पूरे विश्व में बोलते पूरे वर्ल्ड में ये एक ही मंदिर है बोलते। ये तो मेरे हिंदू भाइयों के लिए, आप लोगों के लिए दर्शन कर लो आप। सनसेट पॉइंट, पुष्कर सनसेट पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये है सनसेट पॉइंट पुष्कर का, आप देख सकते हो। ये पूरा सनसेट पॉइंट है मेरे पीछे, और पूरा पुष्कर हमने घूम लिया है। ये हम लोग का लास्ट स्पॉट था, यहाँ से अभी अजमेर शरीफ जाएंगे सीधा। तो राजस्थानी डिश दोस्तों दाल बाटी चूरमा, और ये मीठे में है, दाल है, कांदा है, बटाटे की भाजी, छाछ। तो आज राजस्थानी स्टाइल में खाना खा रहे हैं हम लोग, तो एंजॉय कीजिए। आप भी आएंगे तो जरूर दाल बाटी चूरमा खाइए। A few moments later, सरकार में बारगाह में हमने छठी शरीफ की दुआ लिए और फिर पुष्कर पूरा शूट किए, फिर अभी होटल पे आए। और हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई, हमारे खादिम साहब इरफान भाई और कुर्ला वाले इरफान भाई, तो भाइयों ये हमारे इरफान भाई हमारे खादिम साहब है, और ये हमारे कुर्ला वाले इरफान भाई, इनको तो तुम जानते ही हो। और भाई की ये बुलेट है,
और अभी भाई हमको पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, तो दोस्तों चलते हैं भाई के साथ में। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कुछ तो एंजॉय कराने लेके जा रहे हैं भाई, तो कंटिन्यू बने रहिए भाइयों। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों इरफान भाई ने हमको यहाँ पे लेके आए हम लोग को, और आप ये मेरे गले में स्कार्फ देख रहे हो, मेरे के लिए हाना हाना कर रहा था। तो ये हमारे इरफान भाई है ना, इरफान भाई ने इरफान भाई को आँख मारे, क्या बोले बस यहीं जाना है, कुछ नहीं है ठंडी वंडी। और मैं यहाँ 12 किलोमीटर मेरे को लेके आ गए और मैं कुल्फी हो गया हूँ एकदम। तो भाई हम कैसा छोड़ सकते हैं इनको, एक तो इनके रूम में जो जिनकी इनके साथ रुका था तो वो कहीं बाहर गए थे और जैकेट वगैरह रूम के अंदर ही थी, तो इनके पास जैकेट नहीं थी, तो हमने बोला इतनी ज्यादा ठंडी नहीं रही ऐसा बोल दिया, कुल्फी हो गया मैं। फोग हो रहा, देखो फोग दिख रहा पूरा फोग, और मेरे मजे ले लिए भाई लोग ने। तो कोई नहीं, मेरी भी बारी आएगी इरफान भाई, याद रखना हम सपोर्ट करेंगे ऑफिस से इरफान भाई। बिल्कुल, तो अभी आए हम लोग यहाँ पे, भाई को पूरा सपोर्ट करो, चलते हम लोग अंदर चलते हैं दोस्तों। अरे 10 किलोमीटर आने के बाद में मुझे ये जैकेट दिया गया है की तरफ से, ये हमारे मियाँ साहब की तरफ से हमको खाया कि डी से बोलते भाई चेक करते, फिर मैं आपको भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो, पहले मैं टेस्ट करता हूँ क्या है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया, तो अभी चलते हैं अजमेर शरीफ रिटर्न। इरफान भाई जी, भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा, कौन से इरफान भाई को पुकारा मियाँ साहब, बहुत ही प्यारा लगा, मजा आया यहाँ पे आकर, एक नई जगह आपने बताई और बहुत प्यारा खाना था यहाँ का। तो इंशाल्लाह फिर अपना आएंगे इंशाल्लाह अगले महीने रमजान की छठी में, तो मिलेंगे फिर से। अभी चलते हैं अजमेर शरीफ, अगली छठी में फिर खाना ही खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी मैं मेरे ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठंडी लग रही है मुझे बहुत, और अभी जाके को दिल से सब भाई लोग सपोर्ट करना, सुबह भाई को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना इस भाई को। जी जी यार, बस आप दुआ कीजिए सरकार में, बस भाई का नाम हो, आमीन आमीन। बस भाई आप भी दुआ कीजिए, ऐसे ही आपकी सपोर्ट की जरूरत है, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ भाई, अल्लाह हाफिज। हक मोइन, या मोइन, बाय।